अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप दैट एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को एक कंप्लीट गाइड देने जा रहा हूँ कि मैं से बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया था कि हमें आप बताएं कि आप चीप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग का दिल होता है करने का, लेकिन अगर वो एक ट्रैवल एजेंसी वगैरह में जाएँ उनको बहुत महंगी टिकट्स मिलती हैं। तो आज मेरे पास दो वेबसाइट्स मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे आप टिकट्स बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, और ये बहुत बहुत ज़्यादा चीप आपको पड़ेगी। नंबर वन पे है हमारे पास विज एयर, और नंबर टू पे है स्काई स्कैनर। ठीक है, स्काई स्कैनर के अंदर आपको आप होटल भी बुक कर सकते हैं, रेंट भी कर सकते हैं, गाड़ी कार रेंटल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो रिव्यू करेंगे वो विज एयर का करेंगे, बिकॉज़ विज एयर जो है वो एक हंगेरियन बेस्ड कंपनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें, ये हंगेरियन बेस्ड है, हंगरी बेस्ड है, बुडापेस्ट के इसके अंदर हेडक्वार्टर है। तो ये काफ़ी अच्छी एक कंपनी है मेरे नज़दीक, बिकॉज दे आर ऑफरिंग अ वेरी मच ग्रेटर पैकेज जो बाहर आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा। सो अगर मैं इसके ऑरिजिन्स में जाऊँ, डेस्टिनेशन में अगर चूज़ करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरिजिन्स DXB, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैंने जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, बिकॉज हाँ, और ये जाती है, जो ये फ़्लाइट है ये जाती है अबू धाबी से, दुबई से भी जाती है, लेकिन दुबई से बहुत सारी कम फ्लाइट है जो जाती है, जैसे इटली की होगी, हंगरी की होगी, ग्रीस की होगी, जॉर्जिया की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रीस यूज़ करते हैं, ठीक है। वो हमसे पूछता है डिपार्चर कब, डिपार्चर आपका कब, आपने कब जाना है यहाँ से। सो हम चूज़ करते हैं 26, बिकॉज़ यहाँ पे 26 की अवेलेबल है, और नवंबर में अगर देखें 4 की अवेलेबल है। मेरे ख्याल से नवंबर ठीक रहेगा। हम नंबर 4 पे क्लिक करते हैं और वो हमसे पूछते हैं आपको रिटर्न टिकट कब की चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे अगले फ्राइडे की चाहिए, एक हफ़्ता मैंने रुकना है वहाँ पे। मैं ओके करता हूँ यहाँ से, मुझसे पूछता हूँ आप अकेले हो, मैं बोलता हूँ हाँ मैं अकेला जा रहा हूँ। अगर आपके साथ तो आपके बच्चे, अगर आपकी बीवी है तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सो मैं अकेला हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सर्च करूँगा, ठीक है। जैसे मैं सर्च करूँगा वो मुझे सारी डिटेल्स दे देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, लोडिंग हो रही है अभी। ये वेबसाइट बहुत 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 अच्छे इसमें पैकेज होते हैं। देखो 150 दरम में, 150 अबू धाबी से जाएगी, ये अबू धाबी से जा रही है। और बेसिकली ये मैं आपको बताता हूँ ना, देखो अगर आप ट्रैवल करते हो एक बैग के साथ, ठीक है, फ्री कैरी ऑन बैग, तो बेसिक जो है वो 150 की है। 150 दरम की टिकट आपको मिल रही ग्रीस की, यार कौन नहीं जाएगा। क्योंकि मैं खुद प्लान कर रहा हूँ ट्रैवल, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रैवल करोगे तो आप ये पैक ले लो, ये पैक ले लो, ये अच्छा है सबसे, ऑल इन वन प्लस। हालांकि फिर भी आपको बहुत उसमें पैसे बच रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि नीचे 166 की एक मुझे दे रहा है, अगर मैं एथेंस से दोबारा आऊँ यहाँ पे। सो ये फिर भी बहुत अच्छा है यार, लाइक रिटर्न टिकट आप कह लोगे आपको टोटल पड़ेगी, टोटल जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कितने की है। बोलता है आउटबाउंड फ्लाइट सिलेक्ट करो, मैं आपको बताता हूँ आउटबाउंड फ्लाइट सिलेक्ट कहाँ से होती है। मैं बोलता हूँ ये वाली, ठीक है, तो ये मुझे ये वाला दिखा रहे हैं, 214 वाली दिखा रहे हैं, 214 वाली रिटर्न है। तो ये देख रहे हो 415, मैं 415 पे क्लिक करता हूँ, देखो अबू धाबी से एथन 134 दरम्स में, ये अच्छा है, 415 दरम वाला अच्छा पैकेज है। इस पैकेज में क्या है, जो जो 134 दरम का पैकेज है ना, उसके अंदर ये है कि आपको इतना कुछ मिलेगा नहीं। जैसे अगर देखें इसमें मैंने आउटबाउंड फ्लाइट चूज़ की है, फिर पैसेंजर सर्विस सब कुछ किया है, देखो खाली 415 दरम्स, लाइक टोटल जो लग रहे हैं ना 415 दरम। हाँ जी, इसके अंदर मुझे 40 बाय 30 बाय 20 सेंटीमीटर का एक बैग लेके जा सकता हूँ मैं, जो छोटा बैग होता है ना वही वाला, और फिर एक ट्रॉली बैग भी लेके जा सकता हूँ, एक हैंड बैग हो गया, एक ट्रॉली बैग हो गया 32 kg का। तो कितना फ़ायदा दे रहा है। अगर कसम से मैं ये सेम चेक करूँ ना, ये सेम फ्लाइट चेक करूँ बाहर, हाँ ही चेक करते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम देखते हैं कि कितने की प्राइस होगी बाहर, कितने की प्राइस है, देखो कितना फ़र्क है। 728 दरम की दे रहा है, वो हमें 400 की दे रहा है, 415, 200 दरम का फ़र्क आ गया बीच में। अगर आपको, अगर आप अकेले हो ना, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कसम से एक बैग वाले लो, बस एक बैग लेके जाओ अपने साथ, बैक पैक जो होता है,
काफ़ी है ना, कौन सा आप लोगों ने उधर ठहरने जाना है, आप लोग तो बस घूमने जा रहे हो ना उधर। सो इट्स बेटर यार, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। और अभी इस वेबसाइट का मैं आपको एक और फीचर बताता हूँ, फिर हम स्काई स्कैनर पे जाते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं यार, लूटते हैं आपको, कसम से वल्ला मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बैठे जो आप लोग को लूट रहे हैं। इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं ना, अगर आप लोग इसको एक्सप्लोर करें कि यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, फिर ऊपर से आप बहुत अच्छा ट्रैवल भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो नहीं, बस सर्च करते हैं, वो ऐसे ही बस चले जाते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है। अब देखें, इसके अंदर 5% ऑफर लगी हुई है होटल्स के अंदर। उधर जाऊंगा तो मुझे होटल भी लाजम चाहिए होगा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं एथेंस सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ग्रीस की सिटी है। मैं बोलता हूँ कि मैं 19 को जाऊँगा, मैं वापस आऊँगा 27 को, सर्च करो होटल मेरे लिए अच्छा सा। वो मुझे booking.com पे ले जाता है, और मुझे लगता है ये booking.com पे जो जाता है वो ज़्यादा सस्ता होता है, लेकिन वहाँ पे जो थोड़े होटल्स हैं थोड़े बहुत महंगे हैं, आप कह सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके बजट पे, आप यहाँ पे फ़िल्टर लगाओ ना, आपको कितना चाहिए, 300 200 वाला भी है, ये वाला भी, आप ये भी चूज़ कर सकते हो, और आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो बाद में। अगर आप देखो कितना चाहिए, नफसीका होटल एथन सेंटर, ये आपको 1023, यानी आप 2000 दरम में आपका पूरा पैकेज रेडी हो जाता है। और मेरे ख्याल से 2000 दरम इतना नहीं है, अगर आप बाहर जा रहे हो कंट्री पे यूरोप में ना, तो देखो ये दरअसल ये आपको यूरो में बता रहे ना कितने एक दिन का, ये लिवरपूल के, फिर उससे मेडेरिया का, बल्गार्डिया का, बहुत सारी कंट्रीज़ का ना, यहाँ पे बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जिस भाई को चेक करना, मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं स्काई स्कैनर पे। जो स्काई स्कैनर वेबसाइट है ना, इस पे आप यकीन करो कि आपको जो फ्लाइट मिलती है, टिकट मिलती है, जो हम लोकल एजेंट से ख़रीदते हैं, बाहर जाके ट्रैवल एजेंसी से ख़रीदते हैं, वो बहुत महंगी होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। बिकॉज़ मैं अब देखता हूँ कि पाकिस्तान के टिकट किधर की है, दुबई से है पाकिस्तान, अगर हम जाएँ इस्लामाबाद जाएँ, सही है, अगर हम इस्लामाबाद के टिकट करते हैं तो कितने की हमें पड़ती है, फिर हम देखते हैं उधर, आप खुद फ़र्क देख लेना। देखो डिपार्ट हमने होना है, हम मैं कहता हूँ मैंने डिपार्ट होना है 1 को, ठीक है, 1 से लेके वापस आना है 12 को। एडल्ट इकोनॉमी चूज़ की है, अगर आप लोग बिजनेस क्लास चूज़ करना चाहते हैं, हर बंदे का अपनी चॉइस है। सर्च करें फ़्लाइट तो देखें आपको कितनी कितनी अच्छी फ़्लाइट्स मिलेंगी, सही, इतनी महंगी नहीं होती, नॉर्मल होती है। देखें 905 दरम में, और कौन सी एयरलाइन है, ओमान एयरलाइन, ये वाली, ये महंगी है थोड़ी सी, ये मत लो, क्यों, इसके ऊपर स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ऐड चला रहे हैं वो लोग। ये देखो 867 दिरहम, फिर आप इधर से थोड़ी प्राइस इसकी कम कर दो, वो भी आपको सस्ती मिल जाती है। देखो 900 900, ये महंगी है, एमरेट्स की महंगी है थोड़ी बहुत। फिर आप शो मोर रिजल्ट पे क्लिक करो, मेरे ख्याल से जो सबसे सस्ती वाली है ना वो ये है, वो ये 800 दरहम वाली है, ये वाली PI की, ये भी अच्छी खासी है, 3 घंटे लेती है यहाँ से, देखो सही, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की आपको मिल रही है। तो बहुत अच्छी अच्छी आपको ऑफर्स मिलती हैं, आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ TXP टू इस्लामाबाद, हम देखते हैं बाहर इसकी क्या प्राइस चल रही है टिकट की। ओ हो, देखो 800, ये बस एयर ब्लू की सस्ती है, PI कितनी महंगी है, देखो 1445 की, इधर सेम PI की 800 की लगी है, कितना फ़र्क है देखो। यही मैं आप लोगों को फ़र्क बस बताना चाह रहा था, बिकॉज़ ये फ़र्क बहुत लोग से नोटिस नहीं करते और फंस जाते हैं, ज़्यादा पैसे दे बैठते हैं। और मैं आपको इसके होटल्स भी दिखाता हूँ, ये काफ़ी अच्छे हैं। अगर अगर मसलन हम किधर यूरोप में ट्रैवल करना चाहते हैं, हम लिखते हैं UAE से हम जाएंगे पुर्तगाल, सही है, पुर्तगाल का पोर्टो में, लिस्बन, लिस्बन के अंदर उतरेंगे, सेम रेट रखते हैं, सर्च फ्लाइट करते हैं, इतनी महंगी नहीं होगी टिकट, मैं आपको बता सकता हूँ। देखो शारजा से जाओगे तो 2497 आएगा, इसमें आपको एक स्टॉप है, वन स्टॉप, ये नॉन स्टॉप इसमें अवेलेबल है दुबई वाली में, देखो। तो अगर आप लोग सर्च करोगे आपको होटल भी बहुत सस्ते मिल जाएंगे, देखो कितनी चीपेस्ट, आप ऐसे चीपेस्ट सिलेक्ट कर लो, आप ज़रूरी बेस्ट और फास्टेस्ट में जाओगे, ये आपको 5000 की पड़ी है, ये मत लो, ये बहुत महंगी है। देखो विज वाली, मैंने वो क्या कहता, विज वाली, सेम विज वाला सिस्टम है, लेकिन अगर आप उधर से करोगे ज़्यादा आपको सस्ता पड़ेगा, ये वेबसाइट से। देखा मैंने आप लोग को कैसी चीज़ बताई, ये आप लोग को कोई नहीं बताएगा। सो आई होप दैट आप लोग को अच्छा लगा हो। ये मैं आपको ना इसकी लिंक भी, इसका लिंक भी, स्काई स्कैनर का लिंक भी और विज का लिंक भी नीचे दूंगा, आप जाएँ, आपको इंशाल्लाह अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और आपको किस किस टाइप की वीडियो चाहिए,
इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं बनाऊंगा स्टॉक्स के रिलेटेड, आप स्टॉक्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं वाइल लिविंग इन द यूएई। सो और जिन भाई को चीपेस्ट फ्लाइट टिकट चाहिए थी दुबई से पाकिस्तान की या दुबई से किधर की भी, अब मैंने आपको वेबसाइट बता दी है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऐसे नहीं कि स्कैम है, स्कैम नहीं होता मेरे भाई, ये इतनी इतनी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे स्कैम कैसे करेंगे। सो अगर आपको ज़्यादा देखना है आप जाओ गूगल जाओ, लिखो स्काई स्कैनर, बस बस स्काई स्कैनर लिख दो, देखो कितनी बड़ी कंपनी है स्काई स्कैनर LTD, UK की कंपनी है, 2001 में बनी थी, और जो वीज है वो हंगरी की है, मैंने आपको दिखा दिया है। सो ये सर्विसेज यूज़ करें और अपने पैसे बचाएं। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।